सो हाय एवरीवन, तो स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में, इस कक्षा में हम जो है जो निबंध लेखन होता है, ठीक है, जो आपको जो है यूपी पीएससी का जो एग्जाम है उसमें जो निबंध आएंगे, तीन यहां पे आपको निबंध लिखने को आएंगे, जिसमें आपको जो शब्दावली लिखनी है वो 700 वर्ड आपको एक निबंध में लिखने पड़ेंगे, और 50 नंबर का आपका जो है जो अंक रहेंगे वो रहेंगे आपके 50, ठीक है। एक जो आपका निबंध रहेगा वो आपको 700 शब्दों में लिखना है, और एक निबंध के आपको जो है 50 नंबर का वो क्वेश्चन रहेगा। तो तीन निबंध आपको लिखने हैं वहां पे। तो आज ये जो निबंध लेखन होता है बेसिकली, जिसको इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश भाषा में इसी निबंध लेखन को क्या बोला जाता है, एसे राइटिंग। तो लिखा यहाँ पे इंग्लिश में ही रहेगा, बट मैं उसको थोड़ा सा हिंदी में आपको जितना मेरे से होगा, ठीक है, मैं हिंदी में उस चीज को बताने की आपको पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो निबंध लेखन के लिए कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनका आपको थोड़ा सा पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हम निबंध लिखते हैं तो उसको कैसे लिखा जाता है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको करनी है निबंध लिखते हुए, और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं करनी है, ठीक है जी। तो पहला जो पॉइंट है, पहला जो बिंदु है, उसको इंग्लिश में यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है, कि किसी भी निबंध की जो शुरुआत होती है, ठीक है, जो शुरुआत होती है और जो उस निबंध का जो अंत होता है, एक अच्छी शुरुआत का ही एक अच्छा अंत होता है। तो आपका जो निबंध लेखन का जो प्रक्रिया रहेगी, उसमें जो हमारा बेसिकली जो रूल रेगुलेशन चलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसकी जो शुरुआत रहेगी, स्टार्टिंग रहेगी, और जब आप उस निबंध को खत्म करोगे, उसका अंत करोगे, तो उसके शुरुआत वाली जो शब्दावली है और अंत वाली जो शब्दावली है, जो वोकैबुलरी है, उसको आप थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं प्रभावशाली होनी चाहिए वो आपकी, है ना। जैसे बोलते भी अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में एक कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट, है ना। पहली बार जब आप किसी से मिलते हो तो आपका क्या कितना प्रभाव छोड़ पाते हो, तो वो मेन महत्व रखता है। फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा अगर आपका निबंध बीच में ठीक ठीक भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन शुरुआत के, अब देखो 700 वर्ड आपको 700 शब्दों में लिखना है इसको, है ना, 700 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है। तो ये मान के चलो कि शुरुआत के 100 वर्ड्स और अंत के जो 100 शब्द होंगे, ये आपके थोड़े ज्यादा, इनकी शब्दावली थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, और हिंदी में आपको शुद्ध हिंदी में यहाँ पे शब्दों का चुनाव बड़े अच्छे ढंग से करना पड़ेगा कि कौन सा शब्द मुझे किस लाइन में कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये इसका पहला बिंदु है जो आपको ध्यान में रखना है कि मुझे शुरुआत और अंत का जो है, अंत इसका अच्छे से करना है। आप किसी मुहावरे से शुरुआत कर सकते हो, ठीक है, कोई भी ऐसे है, कोई भी जो निबंध आप लिख रहे हो, आप किसी शुरुआत उसकी किसी मुहावरे से कर सकते हो, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर टू पे आते हैं। बोल रहा है ऐसे को आप शुरू कर सकते हो, निबंध को आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, पास्ट की, भूतकाल की किसी सोच के साथ आप अपनी मेन बात पे आ सकते हो। अब आपसे आ गया, वहां पे आ गया पेपर में कि, है ना, कि औरत की जो नारी शक्ति है उसके ऊपर लिख के बताओ, जिसको इंग्लिश में वुमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं, नारी शक्ति के ऊपर ऐसे लिखो, है ना। तो फिर आप कैसे लिखोगे उसमें, मतलब क्या, मतलब आप डायरेक्ट शुरू कैसे करोगे उसको, है ना। तो मतलब आपकी जो शुरुआत है वो बड़ी प्रभावशाली होनी चाहिए, बड़ी इंप्रेसिव होनी चाहिए। तो आप कुछ पुराने जमाने से उस चीज को कनेक्ट कर सकते हो, मतलब जोड़ सकते हो अपनी विचारों को पुरानी चीजों के साथ, ठीक है, कि पुराने जमाने में क्या हालात थे समाज के, ठीक है, नारी को सम्मान नहीं दिया जाता था, ठीक है, मतलब उनसे भेदभाव किया जाता था, लेकिन आज के समय में जो है नारी को एक समान दर्जा दिया जाता है 21वीं शताब्दी की अगर हम बात करें। तो फिर अगर थोड़ा पुराने विचारों के साथ जोड़ के उसको आपको अपने प्रेजेंट जो आज का हालात है उसके साथ आपको आना है अपने एस्से के ऊपर। यही ये पॉइंट बोल रहा है कि हमारा जो निबंध होगा उसको आपको जो है क्या कर सकते हो, आप किसी, आप इडियम से शुरू कर सकते हो, कोटेशन, मतलब महात्मा गांधी जी के द्वारा नारी शक्ति के ऊपर एक बहुत अच्छी विचार है, उनकी एक थॉट गिवन है कि नारी, है ना, आप और अलग किसी और राइटर्स की भी अलग अलग सोच को, थॉट्स को इकट्ठा कर सकते हो, और किसी हिंदी से आप जो है किसी एक किसी राइटर के द्वारा, किसी लेखक के द्वारा कोई जो है थॉट दे रखी है तो उससे आप शुरू कर सकते हो इसको, इस मतलब निबंध को नारी शक्ति के ऊपर, ठीक है जी। तो ये यही बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि कुछ ऐसे पॉइंट हैं और भी बिंदु हैं, जैसे तीसरा है प्राकृतिक। प्राकृतिक एक आपके अंदर जब आप लिखोगे हिंदी में, जब आप कोई निबंध लिख रहे हो तो आपके अंदर उस वहां पे एक नेचुरल चीज छलकनी चाहिए,
प्राकृतिक आपका ये लगना चाहिए कि शब्दों का जो भाव है ना, जैसे शब्द आपके लिख रहे हैं आप अपनी राइटिंग में, जब आप लिखोगे ठीक है, तो आपके मतलब शब्दों का एक लिंक बनना चाहिए, आपकी सोच जो है कनेक्टेड होनी चाहिए उसको, अपनी सोच को कभी भी आपने बदलना नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो ये पॉइंट बोल रहा है, इसका मतलब है कि एक पॉइंट एक वाक्य आपने लिख दिया, फिर अगला वाक्य आप लिख रहे हो, तो ये जो पहला वाक्य है ये दूसरे वाक्य से थोड़ा बहुत संबंध होना चाहिए इसका। ये नहीं है कि एक एक वाक्य में सोच आप कुछ और विचार प्रकट कर रहे हो, यहाँ पे कुछ और प्रस्तुत कर रहे हो, तो मतलब ये जो हमारी सोच है इसको हमने तोड़ना नहीं है। जब आपकी जो जो विचार हैं जब वो टूटेंगे नहीं तो फिर वो एक लय बनेगी, है ना, एक लय बनेगी और धारा प्रवाह लय बनेगी और जो है उसमें प्राकृतिक निखार आएगा, ठीक है। तो पढ़ने वाले को भी उसमें आपको मतलब लगेगा कि नहीं बंदे बच्चे ने जो है स्टार्टिंग से शुरू से लेके एंड अंत तक जो है शुरुआत से अंत उसका अच्छे से किया है, ठीक है। तो ये चीज होना बड़ा जरूरी है। उसके बाद एक ये अंग्रेजी का पॉइंट है कि जो निबंध लेखन होता है वो हमेशा हम हमेशा जो है पैसिव वॉइस में लिखा जाता है, ठीक है। पैसिव वॉइस ये है कि सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए हैं, ठीक है, सरकार ने बहुत सारे कार्य किए, तो हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि सरकार ने बहुत कार्य किए, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे कार्य सरकार के द्वारा किए गए। जब आप ये द्वारा वाली बातें आती है, जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा कि आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ, टी इज टेकन बाय मी, चाय मेरे द्वारा पी गई, तो के द्वारा वाली जो स्टेटमेंट है, ये जब आप ऐसे वाक्य को निबंध में यूज करोगे कि बहुत सारे कार्य सरकार के द्वारा किए गए, बहुत सारी नई नई स्कीम्स लागू की गई, तो मतलब ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर होता है ना। थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानते होंगे तो आपने इंग्लिश में अंग्रेजी भाषा में एक्टिव और पैसिव वॉइस का नाम सुना होगा, तो ये पैसिव वॉइस वही है, ठीक है जी। तो ये पॉइंट याद रखना है। तो जैसे ये देखो यहाँ पर सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, बहुत सारे कदम जो है, ठीक है, चोर को पकड़ लिया गया, किसके द्वारा पकड़ लिया गया, पुलिस के द्वारा, ये पैसिव। चलो आगे जाओ, ये जो शर्ट है ये मेरे द्वारा नहीं पहनी जाएगी, मैं मेरे द्वारा नहीं पहनी जा सकती है, क्लियर है आपको। राइट, तो ये हमारा यहां तो हो गया, उसके बाद आगे देखते हैं। पांचवा जो पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है कि शब्दों का जो बार बार अगर आप यूज करोगे मेरे अनुसार, इस ऑथर के अनुसार, तो फिर वो गलत हो जाता है। शब्दों को आप बार बार दोहराना नहीं है आपने, दोहराना रेपिटेशन को हम बोलेंगे हिंदी में, शब्दों को आपको दोहराना नहीं है। एक अगर आपने हिंदी में शब्द लिख दिया है तो आपको दूसरी बार निबंध लेखन में दिखना नहीं चाहिए। एक बार शब्द आपने जो यूज कर लिया, अगर आपने प्रयोग में ला लिया है कोई शब्द, तो आप उसको दोबारा नहीं लिखना, आपको उसको एक शब्द को आपको दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये बोल रहे, फिर बोल रहे आप जो प्रभावशाली शब्दावली यूज कर सकते हो, मुहावरे यूज कर सकते हो, ठीक है, जितने ज्यादा आप मुहावरे यूज करोगे, ठीक है, लोकोक्तियां यूज करोगे, तो इससे आपके जो निबंध लेखन है उसमें आपका ज्यादा जो है गुणवत्ता दिखाई देगी। और ये क्वालिटी की बात है, गुणवत्ता की बात है। अब मैं किसी को बोलूं आतंकवाद के ऊपर लिख के बताओ, भ्रष्टाचार के ऊपर लिख के बताओ, तो सभी लिख देंगे, सिंपल भाषा में सभी लिख देंगे, लेकिन उसके अंदर एग्जामिनर जो पेपर चेक करेगा वो क्या देखेगा आपके, वही देखेगा इस बच्चे ने किस तरह के शब्द, किस तरह के प्रभावशाली शब्दावली का यूज किया, कितने इसने मुहावरे यूज किए, कितने इसने लोकोक्तियां यूज की है, है ना, इसकी शुरुआत कैसे है निबंध की, इसका अंत कैसे किया है इसने, तो उन सारी चीजों को मिला के ही वो आपको नंबर देगा। नंबर तभी देगा जब उसको कुछ दिखेगा, जब आपको उसमें आपकी राइटिंग में उसको थोड़ा सा प्रभावशाली लगेगा आपका ऐसे निबंध, तभी आपको नंबर देगा। अब अगर हम बात करें इसके जो इसका रूल होता है, फॉर्मेट आप समझते होंगे, फॉर्मेट को हिंदी में हम रूल बोल सकते हैं कि ऐसे राइटिंग जो निबंध लेखन होता है उसको लिखने के क्या नियम है, कानून क्या है, क्या नियम है, कैसे आपको लिखना चाहिए एक निबंध, जब आप लिखते हो तो उसको लिखने के क्या क्या नियम हो सकते हैं, रूल हो सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आपको उसका परिचय देना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं परिचय। तो सबसे पहले तो आपको परिचय देना है ना कि आप किस बारे में लिख रहे हो, तो परिचय के अंदर आपने क्या क्या लिखना है। सबसे पहले आपको उसकी परिभाषा लिखनी है, निबंध की आपको सबसे पहले परिभाषा लिखनी है,
जब आप परिभाषा दे दोगे उसके बाद आज के दौर में, आज के समय, उस निबंध पे, जिस भी विषय पे आप लिख रहे होंगे, आज उसकी क्या हालत है, आज उसका समाज में मतलब क्या वो है, जैसे वुमेन के ऊपर लिख रहे हो, वुमेन एम्पावर, नारी शक्ति के ऊपर लिख रहे हो, तो आज के समय में नारियों की, औरतों की क्या हालात है, वो लिखना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद बोल रहा है कि इसके अंदर परिचय के अंदर कभी भी आपको उदाहरण नहीं देने, उदाहरण नहीं देते हैं इसमें, उदाहरण इसमें कभी नहीं देने आपको, उदाहरण नहीं देने हैं यहाँ पे, उदाहरण कभी भी परिचय के अंदर नहीं दिए जाते। उसके बाद ये जो बीच वाला होता है बेसिकली, जहां पे आप जो है डिटेल मतलब व्याख्या करोगे, जब आप व्याख्या करोगे उसकी, निबंध की जो व्याख्या होती है वो परिचय के बाद देनी है आपको, है ना, व्याख्या। तो व्याख्या के अंदर आपको उस विषय को जिस पे आप लिख रहे हो उसको आपको थोड़ी उसकी, उसको और ज्यादा उसको, उसकी व्याख्या देनी है। फिर उसके आपने वो देना, प्रकार बताने हैं। मान लो आप प्रदूषण पे लिख रहे हो, प्रदूषण पे लिख रहे हो आप, है ना, आप निबंध लिख रहे हो प्रदूषण के ऊपर, तो प्रदूषण के ऊपर जब आप निबंध लिखोगे तो आप जब उसकी व्याख्या दोगे, ठीक है, उसका बॉडी पार्ट लिखोगे, तो वहां पे आप बताओगे भाई कई तरह प्रकार के प्रदूषण है, ठीक है, जैसे हवा प्रदूषण होता है, ठीक है, जैसे साउंड ध्वनि प्रदूषण होता है, हवा प्रदूषण होता है, कितनी तरह के, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन आपने सुना होगा, तो वो उसके टाइप्स, तो उसके वो जो आप निबंध लिख रहे हो उसके अंदर कौन कौन से प्रकार बन सकते हैं वो आपको लिखने हैं, ठीक है जी। उसके बाद व्याख्या वाले जो डिटेल पैराग्राफ है, व्याख्या जहां पे आप दे रहे हो, ठीक है, वहां पे आपको उसके कारण बताने हैं, उसके कारण बताने हैं आपको। अब जहां पे कारण होता है वहां पे प्रभाव भी होता है, पहले आपने उसके कॉजेज बता दिए, फिर उसके बाद आपने उसके इफेक्ट्स प्रभाव बताने हैं। जहां पे कारण होता है विद्यार्थियों, वहां पे प्रभाव भी होता है। अगर मेरे हाथ से गिलास छूटता है, ठीक है, नीचे, तो टूटेगा, अगर वो गिरेगा तो नीचे साउंड भी आएगा, है ना, तो ये बेसिकली कॉज इफेक्ट है कि जहां पे कारण है वहां पे आपका प्रभाव भी होता है। उसके बाद अब ये जो व्याख्या वाला हमारा पैराग्राफ होता है इसके अंदर आप उदाहरण दे सकते हो, उदाहरण अगर आपने जितने भी देने हैं तो वो आप जो है व्याख्या वाले पार्ट में दे सकते हो, एग्जाम्पल्स कैन बी गिवन हियर, तो उदाहरण आप जो है यहाँ पे दे सकते हो, जो आपका बॉडी वाला बीच वाला जो हिस्सा होता है निबंध का वहां पे, ठीक है जी। उसके बाद आगे देखते हैं, बोल रहा है अगर आप जिस भी एस्से पे, जिस भी निबंध पे लिख रहे हो सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा कुछ अगर कदम उठाए गए हैं, कदम उठाए गए हैं, तो वो आपको यहां लिखने हैं। अगर सरकार ने कुछ भी कदम उठाए हैं, स्टेप्स आप समझते होंगे, स्टेप मतलब कदमों को बोलते हैं, सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों को वो आप लिख सकते हो। कभी भी सरकार के विरुद्ध आपने अपने विचारों को नहीं दे के आना होता पेपर में, कभी भी पेपर में आपको एग्जाम में सरकार के विरुद्ध जो है अपनी नकारात्मक सोच नहीं देनी है, नकारात्मक विचार नहीं देने आप, नहीं देने, ये नहीं देने आप। सरकार अच्छा कर रही है, सरकार बुरा कर रही है, जिस विषय पे आप लिख रहे हो उस विषय में सरकार ने अच्छा किया है, बुरा किया है, कुछ किया है, कुछ नहीं किया है, उसके विरुद्ध आप कुछ भी नहीं बुरा बोलोगे, ठीक है जी, ये ध्यान रखना है, नहीं तो आपके नंबर कटेंगे। ये मतलब रूल है, इसके नियम है, इसको मतलब निबंध लिखने के ये बेसिकली आपके थोड़े से रूल, नियम कानून है, जिनको आपको ध्यान में रखते हुए अपने निबंध को आगे लिखते हुए बढ़ाना है। अगर इन चीजों का ध्यान नहीं रखोगे, ठीक है, बार बार चीजों को दोहराओगे, सरकार के खिलाफ लिख के आ जाओगे, तो आपके वहां पे अंक कट जाएंगे, घट जाएंगे आपके नंबर, काटेगा आपके नंबर, कट करेगा पेपर चेक करने वाला, ठीक है जी। हाँ, आप जो है अपने सुझाव दे सकते, आप अपने सुझाव दे सकते, आप अपने सुझाव दे सकते हो कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, सरकार को इस विषय में ऐसा करना चाहिए, सरकार को ये कदम उठाने चाहिए, वो आप दे सकते हो। लेकिन आप सरकार के खिलाफ कुछ भी
नकारात्मक सोच नहीं व्यक्त कर सकते। ठीक है जी, तो ये आपको मैंने बता दिया। अब हम देख सकते हैं नारी शक्ति के ऊपर आप थोड़ा अपना बना लें, राइट। उसके बाद भ्रष्टाचार, ये आगे आपके कौन से निबंध है ये जो सामाजिक है, सोशल। भ्रष्टाचार है, नारी शक्ति है, फिर बेरोजगारी है ना, सोशल मीडिया, मतलब ये जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर जरूर कुछ आप पढ़ के जाएं, ठीक है। तो वो क्योंकि ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, जैसे हालात चल रहे होते हैं उस पे ही आपके ऐसे बनते हैं, और आजकल मतलब आजकल के हालात के हिसाब से, ठीक है, जो आजकल हालात है उस हिसाब से आपके, जिसको हम बोलते हैं करंट क्या चल रहा है, तो करंट पे भी ऐसे बन जाते हैं। करंट ऐसे जो हो गए, मतलब कुछ कीमतें बढ़ रही हैं किसी चीज की, है ना, तो किसी चीज की अगर कीमत बढ़ रही है तो उसके ऊपर ऐसे बन सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। मैं एक बार आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको परिभाषा, इंट्रोडक्शन मतलब होगी इसकी परिचय, इसको हम परिचय बोलते हैं। सबसे पहले आपको अपने निबंध का परिचय देना कि आप किसके ऊपर लिख रहे हो, ठीक है। इसके अंदर आप ज्यादा नहीं 100 शब्द लिख सकते हो, क्योंकि 700 शब्द लिखने हैं आपको, तो आपका परिचय के अंदर ही अगर हम रेशियो लगा के चले तो 100 से 150 शब्द का आपका जो है परिचय होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, जिसमें आप आज के हालात बता दोगे जिसके ऊपर लिख रहे हो, फिर आप यहां एग्जाम्पल नहीं दोगे और आप थोड़ा सा उसकी परिभाषा बता दो। तो 100 से 150 वर्ड आपके यहाँ पे होने चाहिए, और जब आप उसको कंक्लूड करोगे एंड में, कंक्लूजन है ना, कंक्लूडिंग में आ गया अभी, है ना, और यहाँ पे आप जो है इसके अंदर भी 100 से लेके आपको 150 वर्ड लिखने पड़ेंगे। शुरुआत में और अंत में आपको 100 से 150 वर्ड, अगर 150 शुरू किया, 150 एंड किया, 300 वर्ड हो गए, और जो व्याख्या वाला पार्ट है बीच वाला, वहां पे आपको लिख के आने हैं 400 शब्द आपको जो है बीच वाले पोर्शन में, हिस्से में लिखने हैं, और 150-150 आप एंड में लिख सकते हो, ठीक है। 700 लिखने हैं, 700 लिमिट है, तो 700 में ही लिखना स्टूडेंट्स। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 750 लिख के आऊंगा, ठीक है, तो आपके अगर यहाँ पे शब्दावली बढ़ा दी ना आपने तो नंबर कटेंगे। 700 के बजाय आप 690 लिख के आ जाओ तो भी चलेगा, 10 वर्ड कम रह गए चलेगा, लेकिन उसको बढ़ाना नहीं है आपने, शब्दावली को बढ़ाना नहीं है, जितना बोला है उतना ही लिख के आना है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है, उससे कम भी नहीं लिखना है। 4-5 वर्ड कम है, 4-5 वर्ड ऊपर नीचे है, 695 है चलेगा, 705 लिख के आ गए तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं लिख के आए, और फिर 650 ही लिख के आए, 650 ही लिख के आ गए, 50 वर्ड आपने कम लिखे हैं तो भी नंबर कट सकते हैं, 5-10 का हेरफेर होगा चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो ये आपको पैराग्राफ लिखने की थोड़ी आपको इसमें वो करना, प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है, तो क्योंकि अभ्यास के बिना कुछ नहीं होगा जी। जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे, ठीक है, निबंध लिखने का, तो आपकी जो लिखने की प्रक्रिया है उसमें निखार आएगा, कहीं ना कहीं आपकी उसमें सुधार होगा, और धीरे धीरे जो आपके अंदर, आप पेपर को इसको क्रैक कर सकते हो आसानी से, ठीक है जी। तो ये 3 ऐसे आने हैं, 700 वर्ड्स शब्दों का लिखना है, और 50 नंबर का एक आपका ऐसे रहेगा। तो इस फॉर्मेट को, इन रूल रेगुलेशन को थोड़ा सा अपने माइंड में रखें, और जो है पेपर में आप जो है इसके अकॉर्डिंग जो है करके हैं, ठीक है जी। तो आज की कक्षा में इतना ही रहेगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट, अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, ओके जी।